जा रहे हैं रानीगंज के जो बासड़ा मोड़ है, बासड़ा मोड़ में पंजाब मोड़ से होते हुए बासड़ा मोड़ जा रहे हैं। उधर एक बहुत ही फेमस दुकान है लिट्टी चोखे का, तो उधर ही हम लोग जा रहे हैं। आज उधर का वीडियो बनाएंगे, बहुत ही फेमस है, देसी घी का मिलता है बहुत कुछ सामान, वो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो आज आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं, पूरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। जो शॉप जो है यहाँ पर बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पे हम लोग अभी अपना नया वीडियो शूट करने आए हैं। चलिए आपको ले चलते शॉप के अंदर, तो बात करते हैं। दुकान का नाम सर्किट मोचन लिट्टी शॉप है। मोचन लिट्टी शॉप और कितना बजे तक टाइम लगेगा? तो ये आपका सुबह 8:30 बजे से आपका 12 बजे तक सुबह, और शाम को आपका 4:30 बजे से रात 9 बजे। क्या क्या मिलता है बात में? सुबह आपका आपका लिट्टी मिलता है चप्पा रोटी के तरह, चप्पा रोटी के तरह चोखा चटनी बाद में एक मिर्चा प्याज है, एक लिट्टी का चटनी मिर्चा प्याज दो तरह की चटनी, एक टमाटर चटनी एक धनिया चटनी फ्राई मिर्चा प्याज। और हम लोगों ने सुना कि देसी घी में कुछ मिलता है यहाँ पे? अच्छा, देसी घी का लिट्टी है, देसी घी का लिट्टी और जलेबी भी मिलता है देसी घी का, एकदम पूरा देसी का। हम लोग को मेकिंग थोड़ा दिखा सकते हैं क्या, देसी घी का कैसे बनता है? चलिए एक बार में कितना सीख जाता है भाई, एक बार में कितना सीख जाता है, एक बार में कितना सीख जाता है? 20-25 सीख जाता है। थोड़ा सब्जी सब्जी है, ग्रेवी थोड़ा करके देखा, ग्रेवी क्या है? हरी चटनी, धनिया का हरी चटनी है, टमाटर का चटनी, उठा के देखा ये टमाटर का चटनी, क्या क्या है इसमें? आधी मिर्चा लहसुन है, आधी मिर्चा लहसुन से ये है चोखा है, आलू का चोखा है। प्लेट लग रहा है देसी घी वाला, हम लोग का देसी घी वाला नहीं है, हम लोग का प्लेन है। तो हम लोग दोनों ही मेकिंग दिखा देते हैं, प्लेट कैसा लगा। एक बार में 4-4 प्लेट लगता है क्या? जितना रहेगा जितना आया रहता है। देसी घी का जिले भी है, अभी देसी घी का जलेबी बनता है। देसी घी का केसरिया जलेबी है, केसर वाला जलेबी, केसर वाला जलेबी है, केसरिया जलेबी है। अच्छा, कैसा कैसा करके पीस है ये? ये 25 रुपये का एक पीस है। ये केसर है क्या? हाँ, ये देखिए ये केसर है, यहाँ पे केसर का जलेबी बनता है। आपका नाम क्या हो गया? मेरा जयप्रकाश राम। जयप्रकाश, आप ही बनाते हैं यहाँ पे सब? हाँ। सुबह से कितना बजे से स्टार्ट हो जाता है ये? सुबह 8 से 12, 8 से 12, शाम को 5 से 9। अच्छा, 5 से 9, बीच में 3 घंटा गैप रहता है, 3 घंटा गैप रहता है। इसमें केसर है, दिखा दो। केसर जलेबी है, रबड़ी जलेबी है, केसर जलेबी रबड़ी, केसरिया रबड़ी, केसरिया जलेबी, ये सब देसी घी का बना हुआ है। यहाँ पे एक अंकल खा रहे हैं, कैसा लग रहा है अंकल खाना? ठीक है, बढ़िया है। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? हम आए हैं तो अच्छा, बहुत टाइम से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। ठीक है, इंजॉय कीजिए। अंकल क्या खा रहे हैं आप? रबड़ी खा रहे हैं। रबड़ी कैसा है? अच्छा, बढ़िया है, बहुत दिन से खा रहे हैं इधर।
खा लेते हैं, मतलब फेमस है जगह तो खा लेते हैं। ये जो हम लोग खाना खा रहे थे उसका प्राइस है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कितना किसका टिकट है, टिकट के हिसाब से यहाँ पे पैसा लिया जाता है। इसके लिए बैगन भुना जाता है, इधर दिखा तो बोरा में, भाई दिखा तो थोड़ा बैगन बोरा में भर भर के पूरा बैगन लाया जाता है एक बोरा करके, और फिर इधर यहाँ पे सिका जाता है अच्छे से सीख के, फिर इसका छाल वगैरह छुड़ा के फिर चोखा में डालता है ना। और इधर टमाटर है, टमाटर कट रहा है। कितना टमाटर लग जाता है एक दिन में भैया? चटनी के लिए पड़ता है। चटनी के लिए कितना किलो लग है ये? 25 किलो लग जाता है। और एक दिन में? एक दिन में 25 किलो में हो जाता है। और वो जो बैगन है कितना किलो होगा? 22 किलो बैगन, 22 किलो, और टमाटर जो है वो 25 किलो लगभग लग जाता है। और आलू कितना लगता है? दो बोरा, मतलब एक क्विंटल ना, एक क्विंटल लग जाता है दो बोरा आलू। इधर ऐसे टिकट काटना पड़ता है, ये प्लेन जो है ड्राई लिट्टी जो है उसमें 30 रुपए का कूपन है। ये प्लेट है हम लोग का सादा वाला, अब इसको टेस्ट करके हम लोग देखते हैं कैसा है लगता है खाने में। मैं भी पहली बार खा रहा हूँ लिट्टी चोखा, मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी है। ये सब कुछ है इधर, देखिए लहसुन वगैरह सब कुछ है, टमाटो वमेटो सब कुछ है, तो टेस्टिंग करके दिखाते हैं। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, फीका है, फीका खट्टा, और ये लहसुन का फ्लेवर भी आ रहा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप लोग आइए, जरूर एक बार विजिट कीजिए दुकान का। टाइमिंग है 8:30 बजे से, और शाम का टाइमिंग दादा कितना है? 4 बजे से 9 बजे। शाम का टाइमिंग जो है 4 बजे से 9 बजे तक आप लोग आ सकते हैं, आके विजिट कीजिए, देखिए खाइए। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना है, हर टाइम भीड़ लगा रहते हैं, गरम गरम मिलता है, एकदम गरम गरम।